Hello viewers, welcome to my channel Angel Gyatro Tarots and today I am in this video for Taurus Zodiac Sign वृषभ राशि के जातकों का कैसा जाएगा समय 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के लिए क्या मैसेजेस हैं ये मैं देखना चाहूँगी। फर्स्ट कार्ड आपके ड्रीम का आ रहा है, आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, सोचते रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं और बहुत सारी चीज़ें आप जो है आपके दिमाग में रहेंगी, ये कर लें वो कर लें लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे अल्टीमेटली, और बहुत सारी बातें जो हैं वो सोचते रहेंगे। कोई जना आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकता है, कोई जना चाहेगा कि आप जो है वो काम ना करें, आपका काम पूरा ना हो, आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, हर समय पिन आउट करने की कोशिश करेगा, हर समय इनकी टांग खींचते रहो ताकि ये परेशान होते रहें। तो इस चीज़ से बचिए, इस तरह के माहौल से बचिए, इस तरह के जो लोग हैं इस तरह के लोगों से बच के रहिए। और नेक्स्ट जो मैसेज आप लोगों के लिए है वो है आपका किसी पिता समान व्यक्ति से या बड़े भाई से विवाद हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा वो कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे, आपस में बन नहीं पाएगी। ऑफिस में अगर आपके बॉस कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं तो नहीं बन पाएगी। कोई नई शुरुआत हो सकती है, बहुत अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। नई शुरुआत यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम आप शुरू करिए, कुछ क्रिएटिव चीज़ करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल चेंज करिए, इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता नज़र आ रहा है। किसी काम को हो सकता है कि आप नौकरी पेशा हो और लेकिन आपकी हॉबीज़ कुछ ऐसी हों जो आपको टेंशन फ्री रखें और नेक्स्ट आपको इंसल्ट आपकी हो सकती है, कोई आप जना आपकी बेइज्जती कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको केवल अपने काम पे ध्यान देना है कि आपको नई शुरुआत क्या करनी है। एक अच्छा कार्ड आया है, अच्छा मैसेज है, ईश्वर की कृपा है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर जो जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है वो काम आपको ज़रूर से करना है। और यहाँ पे गॉड की जब ब्लेसिंग्स हैं तो जाको रखे सहाइयाँ मार सके ना कोई वाली बात है, तो आपके लिए चाहे जितना भी कोई आपको फर्स्ट एड करने की कोशिश करे, फिर रास्ते से हटाने की कोशिश करे, कुछ भी ये सब सिचुएशन रहेंगी लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम द ओरेकल हीलिंग कार्ड्स एंड द फर्स्ट मैसेज इज ऑफ द टाइम इज नाउ। एक्चुअली आपको इस वक्त यही एक समय है जब आप अपने लिए, जैसा कि हीलिंग कार्ड है ये बता रहा है कि आपका यही समय है कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में केवल अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें ये मैसेज हो रहा है कीप गोइंग फॉरवर्ड, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, केवल अपने काम पे ध्यान दीजिए, कैसे आगे हमें आगे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे गो स्लो एंड टेक टाइम, आपको इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप धीमे धीमे चलिए, आराम से चलिए, अपना समय लीजिए तब आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी में कोई काम मत करिएगा, काम बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आराम से टाइम लेके तब काम करिए। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए आया हुआ है स्टेइंग फोकस्ड, बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं बता रही हूँ बराबर से अपने काम में फोकस बना के रखिए, फोकस नहीं बना के रखेंगे, कंसंट्रेशन काम में नहीं बना के रखेंगे तो प्रॉब्लम में खड़े हो जाएंगे। एडवेंचरस चीज़ रिस्क उठाना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना रिस्क उठाए आप जीत नहीं पाएंगे। विक्ट्री अगर पानी है आपको अपने लाइफ में, स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो कहीं भी, आपको इस वक्त खतरा मोल लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, रुकिए नहीं आगे बढ़ते जाइए, और कहीं खतरा लगे भी तो डरना क्यों, जब आपके साथ यहाँ पे एंजल्स का जब कार्ड आया ही हुआ है तो ये हीलिंग कार्ड है। एक्चुअली नेक्स्ट अगेन एंजल्स का ही कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स ये गाइडिंग एंजल्स जो प्रोटेक्टिव एंजल्स जो होते हैं वो इस वक्त आपको गाइड कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए और एक बार अपने ऊपर फोकस करके देखिए, आपको देखें, आप देखो आप खुद देखेंगे कि आप अपने काम में सक्सेस तभी पा पाएंगे जब आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और एंजल्स तभी मैसेज कर पाते हैं आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स हैं नो डाउट, जब आप अपनी अंतर की आत्मा को सुनते हो, शांत रहेंगे तभी सुन पाएंगे, भीड़ भाड़ में शोर शराबे में तो खैर नहीं सुन पाएंगे।
तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि इस लवमेट के साथ आपका रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको अगेन अंतरात्मा की आवाज़ अपनी सुननी है, स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए फोकस करना ज़रूरी है। रिलेशनशिप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक बार अपने मन से अंदर जो आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं ठीक है, ऐसे करना चाहिए, रिश्ते को संभालने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अगर झगड़ा सोचेंगे कि झगड़े से काम हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें यह दिखा रहा है कि बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप में, इस वक्त दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे जैसे ताज़े फूल नहीं होते हैं खुशबू, वो फ्रेशनेस आपके रिलेशनशिप में दिखा रहा है आपके यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो दो कार्ड हैं ऑलरेडी निकल के आ गए, आपको गंभीरता बहुत बनाए रखना है अपने लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप में, गंभीरता बना के रखिए। बहुत ज़्यादा जो है हंसमुख मत हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के होने की वजह से कई बार आसपास के लोग जो है वो फायदा उठाने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि और क्या चल रहा है देश में, वो सब नहीं करना है आपके ऊपर। यहाँ पे गार्जियन एंजल का कार्ड आया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, और यहाँ पे अगेन गार्जियन एंजल का कार्ड आया हुआ है जो कि पहले भी आया था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था प्रोटेक्टिव गार्डियन एंजल का कार्ड आया था। यहाँ अगेन यहाँ रिलेशनशिप में भी आपके ये चीज़ शो कर रहा है, चाहे जितने भी मुसीबतें पड़े हों आप अपने संबंधों को लेकर के, चाहे जितने भी परेशान हो, लेकिन आपको अपने रिश्तों में एक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, हीलिंग खुद ही हो जाएगी, खुद ही बात जो है अगर बिगड़ी हुई होगी तो वो बन जाएगी। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कोई अपने रस्ते से हटाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम लोग जो है करेंगे, पिन आउट करेंगे, आप सोचेंगे बहुत, काम पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं, कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश भी करेंगे आप लोग। तो आई थिंक मैसेज क्लियर है एंजल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो फॉर टॉरस साइन।